मतदान से एक दिन पहले बुधवार रात रायपुर में खूब हंगामा हुआ। कहीं पैसे बांटे तो कहीं पोस्टर फाड़ने की बात को लेकर कांग्रेस और भाजपा के लोग भिड़ गए। मारपीट भी हुई। थाने में घुसकर दोनों ही दलों के लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। घटना पर राजेश मूनत बोले, भाजपा कार्यकर्ता की हत्या करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने लोकतंत्र के महापर्व की मूल भावनाओं को नष्ट करने का कोई कमी नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि पहला मामला रायपुर के सरस्वती नगर थाने से जुड़ा है। कोटा इलाके की बस्ती में चुनाव प्रचार थमने के बाद भी प्रचार को लेकर विवाद हुआ। नेताओं के पोस्टर फाड़े गए। इन्हीं बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई। अपनी शिकायतें लेकर भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता सरस्वती नगर थाने पहुंचे। यहां भी भिड़ गए। थाने में बवाल बढ़ता देखकर आसपास के चार थानों से थानेदार भी बुलाए गए। आईटीबीपी के हथियारबंद जवानों को थाने के बाहर तैनात किया गया। पुलिस की मशक्कत के बावजूद कांग्रेस और बीजेपी के लोग थाने के भीतर घुस गए। रात करीब 2 बजे भाजपा के कार्यकर्ता विकास उपाध्याय के खिलाफ और कांग्रेस के कार्यकर्ता राजेश मूनत के खिलाफ थाने के भीतर नारे लगाने लगे। एक दूसरे के साथ झूमा झपटी भी करने लगे। बवाल के बीच थाने में ही मौजूद आजाद चौक इलाके के CSP मयंक गुज्जर टेबल पर चढ़ गए। जैसे तैसे कार्यकर्ताओं को थाने से बाहर निकाला गया। दोनों पक्षों की शिकायत ली गई और कार्रवाई का भरोसा देने के बाद मामला शांत हुआ। कांग्रेस नेता सुबोध हरिवाल ने बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भरत यादव और के कोठारी ने देखा कि भाजपा के लोग शराब और साड़ी फाड़ रहे थे, विकास उपाध्याय के पोस्टर फाड़ रहे थे। विरोध किया तो भाजपा के लोगों ने मारपीट की। इस वजह से हम थाने आए, पुलिस को शिकायत दी है, कार्रवाई की मांग भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।